नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑयल कूल्ड, लिक्विड कूल्ड और एयर कूल्ड टेक्नोलॉजीज़ की। ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है वो आमतौर पे आप बाइक्स में देखेंगे, जितनी भी मोटर बाइक्स मोटरसाइकिल्स हैं उनमें देखेंगे, और सारी की सारी टेक्नोलॉजी सिर्फ एक काम करती है, यानी कि इंजन को ठंडा रखने का काम करती है। ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज अलग अलग लेवल की बाइक्स में अलग अलग तरीके से यूज़ की जाती है, तो उसकी हम बात करते हैं कि कौन सी कहाँ क्यों यूज़ की जाती है। इस चीज़ को आगे समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितने भी इंजन्स होते हैं बाइक के सब में ऑयल होता है। इंजन ऑयल इसलिए होता है ताकि इंजन के अंदर के पार्ट्स को लुब्रिकेट किया जा सके। तो जो इंजन ऑयल है वो अगर ज़्यादा गर्म हो जाए, क्योंकि भाई इंजन जब फ्यूल को जला के ही तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है जिससे आपका टायर स्पिन हो रहा है, लेकिन वो सारी मैकेनिकल एनर्जी नहीं बनती है, हीट एनर्जी भी बन जाती है, इंजन गर्म भी हो जाता है। तो जब वो गर्मी बढ़ती है, एक सर्टेन लिमिट तक गर्मी हो तब तक ठीक है, उससे आगे जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ना सिर्फ इंजन की पावर कम होती है बल्कि इंजन ऑयल जो है वो थिक होना कम हो जाता है, यानी कि वो ज़्यादा थिन हो जाता है, पानी की तरह हो जाता है। उसके कारण इंजन के अंदर वियर एंड टियर बढ़ सकते हैं, तो इंजन ऑयल को ठंडा रखना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती है इंजन को ठंडा रखने के लिए। सबसे कॉमन टेक्नोलॉजी जो आपको इंडियन रोड्स पे चलती हुई बाइक्स में देखने को मिलेगी वो है एयर कूल्ड। एयर कूल्ड इसलिए कॉमन भी है क्योंकि इसमें भाई कुछ नहीं करना पड़ता। जब आप इंजन डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें ऐसी ऐसी ये ब्लैक लाइन जैसी बोलते हैं, जिन्हें धारियां बोल रहे हो या जिन्हें फिन्स बोल रहे हो, ये सब लगा दो उसमें, और इससे क्या होगा, ज़्यादा एयर ज़्यादा इंजन के सरफेस पे यानी ज़्यादा एरिया पे कॉन्टैक्ट करेगी और जल्दी हीट जो है वो निकल जाएगी। हवा ऑब्वियसली इंजन के टेम्परेचर से ठंडी होगी और वो इंजन पे लग के उसकी गर्मी को थोड़ा कम कर देगी। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है एयर कूल्ड चीज़ का, ठीक है। अभी क्या होता है, कई बार ये चीज़ सफिशिएंट नहीं होती है। इंजन ऑयल जो कि गाड़ी के अंदर होता है, इंजन के अंदर, वो ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। उसकी थिकनेस को बरकरार रखने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, ये टेक्नोलॉजी कही गई ऑयल कूल्ड। सबसे पहले मैंने जहाँ तक इसे देखा होगा इंडिया में, वो मैंने देखा था पल्सर में। पल्सर की 200 में शायद ये आया था। और ऑयल कूल्ड जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही सिंपल चीज़ है, सिर्फ एक छोटा सा दिमाग लगाया गया एयर कूल्ड इंजन के ऊपर। एक एयर कूल्ड इंजन में से ऑयल को एक बाहर निकाला गया, एक्सटीरियर में एक छोटा सा रेडिएटर टाइप एक जगह दी गई जहां पे वो हल्का सा कूल होगा, और वहां से वापस जो है ऑयल थोड़ा सा ठंडा होके वापस चला जाता है इंजन में। तो एक्चुअली ऑयल कूल्ड जो इंजन है वो एयर कूल्ड इंजन ही है, लेकिन ऑयल को थोड़ी देर के लिए बाहर रख के और एक्स्ट्रा ठंडा करके वापस इंजन में भेज दिया जाता है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, एक नॉर्मल सी टेक्नोलॉजी, या कह दो एक नॉर्मल सा एक्सटीरियर में सेटअप लगा के उसको यूज़ कर लिया गया। अब बात करते हैं लिक्विड कूल्ड की। लिक्विड कूल्ड जो है वो ऑयल कूल्ड से बहुत ही आगे की चीज़ है, और वो एक्चुअली एक थोड़ी एक्सपेंसिव भी है। जहाँ एयर कूल्ड में कोई ज़्यादा चीज़ लग नहीं रही थी, आपको डिज़ाइन के वक्त ही कुछ करना था, उसके बाद में ऑयल कूल्ड जो है उसमें आपको थोड़ा एक्सटर्नल सेटअप लगना था, यानी कि थोड़ी सी उसमें कॉस्ट बढ़ सकती है, लेकिन उसमें भी कोई बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ की गई। चीज़ यूज़ की गई लिक्विड कूल्ड में। लिक्विड कूल्ड में क्या किया गया, जैसे कि कार में रेडिएटर्स होते हैं, कूलेंट होते हैं, वो चीज़ बाइक्स में लगा दी गई। बहुत जब भी गाड़ियों का हैवी इंजन्स होते हैं, बहुत सब में यही लगा होता है। इवन आज लिक्विड कूल्ड 200 सीसी की बाइक से लेके ऊपर की सारी बाइक्स में आपको देखने को मिलेगा। AS200 देख लो, डोमिनार देख लो, KTM 390 देख लो, इनमें भी लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। लिक्विड कूल्ड में क्या होता है कि इंजन जो होता है, इंजन ब्लॉक में काफ़ी सारे ऐसे एरियाज बनाए जाते हैं जहाँ पे लिक्विड पास किया जा सके, लिक्विड फ्लो किया जा सके। पूरा लिक्विड जो है वो फ्लो होता है इंजन में, और कूलेंट जो होता है वो सारी की सारी गर्मी एब्जॉर्ब कर देता है इंजन से और लाता है रेडिएटर में। रेडिएटर में कूलेंट ठंडा होता है और फिर दूसरे पाइप के थ्रू होके फिर से इंजन में चला जाता है। तो ये बस प्रोसेस फ्लो होता रहता है, कूलेंट जो है गर्मी सोखता है बाहर निकालता है, गर्मी सोखता है बाहर निकालता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो लिक्विड कूल्ड है। लिक्विड कूल्ड इंजन जो होते हैं वो थोड़े से महंगे हो जाते हैं क्योंकि उनमें एक्स्ट्रा सेटअप होता है, रेडिएटर लगा होता है, कूलेंट भी डालना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें के कारण वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। बाकी इतनी भी कोई ज़्यादा महंगी टेक्नोलॉजी नहीं है, बेहतर चीज़ है। सबसे बेहतर कूलिंग टेक्नोलॉजी अभी बाइक्स में जो अवेलेबल है लो कॉस्ट सेगमेंट में जो आ जाए वो लिक्विड कूल्ड ही है। तो लिक्विड कूल्ड वाली बाइक्स अब धीरे धीरे बढ़ते देखेंगे आप, खासतौर से जिन बाइक्स में 200 सीसी से ऊपर का इंजन लग रखा है उनमें लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी ज़्यादा देखने को अब मिलेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। लिक्विड कूल्ड, ऑयल कूल्ड, एयर कूल्ड में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। मैं आपके लिए ऑटोमोबाइल से रिलेटेड डेली ऐसी वीडियो लाता हूं, तो अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को ताकि मुझे पता चल जाए। कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में लिख दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।